मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा सादर अनुरोध है श्रीमती स्मृति जी से कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय जी। आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एवं कार्यकर्ताओं की ओर से शुक्रवार रात केरल प्रदेश में राज्यसभा के सांसद एवं भाजपा के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष मुरलीधरन जी के पैतृक निवास पर कंट्री बॉम्ब के माध्यम से जो अटैक हुआ उसका खंडन करती है। हम प्रेस के माध्यम से देश की जनता को बतलाना चाहते हैं कि केरल में प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर इस प्रकार ध्वस्त हो चुका है कि ना साधारण नागरिक सुरक्षित है ना ही देश का एक सम्मानित सांसद। आपके माध्यम से यह भी बतलाना चाहेंगे कि वर्तमान में केरल में सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति कुछ ऐसी है कि जनता पर लगभग 1286 केस रजिस्टर हुए हैं। केरल में इस वक्त माहौल ऐसा है 37,000 लोग प्रदेश की सरकार ने आरोपी बनाए हैं और लगभग 3,170 से भी ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया मात्र इसलिए क्योंकि केरल की जनता प्रदेश की सरकार के खिलाफ, प्रदेश की सरकार के कुशासन के खिलाफ आवाज उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ नेता मुरलीधरन जी के पैतृक मकान पर निवास पर कंट्री मेड बॉम्ब के आधार पर अटैक का, हमले का खंडन करती है। संविधान की मर्यादा में रहकर भाजपा का कार्यकर्ता एवं नेतृत्व इसके खिलाफ आवाज उठाएगा। शनिवार का दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय दामाद को देश की सुर्खियों का एक अंश बना चुका है। कई अखबारों को कोट करना उचित होगा जिनमें खबरें ये आई कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट के सामने श्री रॉबर्ट वाड्रा के निजी सहायक मनोज अरोड़ा के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट प्राप्त करने का निवेदन किया। राष्ट्र को बतलाना सही होगा कि मनोज अरोड़ा जो रॉबर्ट वाड्रा के निजी सहायक हैं इनके संदर्भ में ईडी के हाथ डिजिटल दस्तावेज तब प्राप्त हुए जब रक्षा सौदों के दलाल संजय भंडारी के घर पर इनकम टैक्स की रेड हुई।
ये सार्वजनिक रूप से बात स्वीकृत है कि संजय भंडारी जी रक्षा सौदों के दलाल जो वर्तमान में देश से फरार हैं, रॉबर्ट वाड्रा के मित्र हैं और अखबार की सुर्खियों में जो छंद पढ़ने को मिलते हैं उनसे पता चलता है कि ईडी ने कोर्ट को बतलाया है कि रॉबर्ट वाड्रा काले धन की प्राप्ति से लंदन में 1.9 मिलियन पाउंड्स का एक घर प्राप्त कर चुके हैं जिसका नंबर है 12 ब्राइनस्टन स्क्वायर लंदन। इस घर की मरम्मत के लिए 66,000 पाउंड का खर्चा रॉबर्ट वाड्रा करवाते हैं, ऐसा अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ईडी का बयान है। और 66,000 पाउंड का खर्चा डिजिटल एविडेंस की प्राप्ति के बाद पता चलता है कि रॉबर्ट वाड्रा का यह संकेत है उसमें कि इस पैसे की प्राप्ति उनके निजी सहायक मनोज अरोड़ा से हो सकती है। ईडी का यह कहना है कि मनोज अरोड़ा को, रॉबर्ट वाड्रा के निजी सहायक को, 3 समन्स जा चुके हैं लेकिन मनोज अरोड़ा इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हो रहे। ईडी ने नॉन बेलेबल वारंट प्राप्त हो ऐसा निवेदन कोर्ट के सम्मुख, न्यायालय के सम्मुख किया है। आज भाजपा के कार्यकर्ता और राष्ट्रहित में देश के नागरिक रॉबर्ट वाड्रा जी से, कांग्रेस के अध्यक्ष से निवेदन करते हैं कि मनोज अरोड़ा जो वर्तमान में अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं ईडी के सामने, वो अपने आप को ईडी के सामने ट्रांसपेरेंटली इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रस्तुत करें। ये बात और है कि ये प्रश्न रॉबर्ट वाड्रा जी से पूछा जाना चाहिए था कि उनके मित्र संजय भंडारी के घर जब छापा पड़ा तो रक्षा मंत्रालय के कुछ खास दस्तावेज उनके दोस्त के घर किन सूत्रों के आधार पर पहुंचाए गए। अंग्रेजी में अपना बयान देती हूं संक्षेप में। वी वुड लाइक टू हाईलाइट टू द सिटीजन्स ऑफ आर नेशन दैट ऑन फ्राइडे नाइट इन द स्टेट ऑफ केरला The former president of BJP Kerala state, sitting MP from Rajya Sabha, Muralidharan ji's ancestral home was attacked by country-made bomb. Currently, the state of chaos and anarchy is such, the breakdown of law and order in the state of Kerala is such, that over 37,000 citizens stand accused of going up against a government in Kerala that is compelled to crush the spirit of the state of Kerala. It is noted that close to 3,170 citizens are in custody and 1,286 cases have been registered. Be it a citizen or a sansad, none are safe in the state of Kerala. On behalf of the Bharatiya Janata Party,
We condemn this dastardly attack on the house of Rajya Sabha MP and within the ambit of the constitution, the Bharatiya Janata Party will raise its voice against this violence which is seen widely in the state of Kerala today. Saturday ensured that the Congress Rashtriya Damad makes headlines in the country. Media reports highlight that the ED presented itself before the Honorable Court and sought a non-bailable warrant against the personal assistant of Sri Robert Vadra. Media reports have highlighted how digital evidence was procured during an Income Tax Department raid on the premises of Sanjay Bhandari, a well-known arms dealer who also happens to be a close friend of Sri Robert Vadra. Media reports highlight that in the digital evidence procured during this raid, it was found, and I quote, that Robert Vadra beneficially controls a house in London, 12 Byronston Square, which is worth £1.9 million. In the digital evidence found, communication between Sri Robert Vadra and others have shown that the London house procured by Mr. Vadra underwent renovation to the tune of £66,000. Media reports again highlight how Mr. Vadra indicated that the said amount can be addressed, paid by his assistant Manoj Arora. Through the media, it has come to be highlighted amongst the citizens of our country that even after three summons, Manoj Arora, assistant of Robert Vadra, refused to join the investigation of the ED. The ED has requested the court of law to issue a non-bailable warrant in the fear that Robert Vadra's personal assistant will flee justice. Today, it is upon us to request Mr. Vadra that in the interest of justice, kindly tell your personal assistant to present himself before the Enforcement Directorate. I would also join that the Honorable Congress President beseech his brother-in-law to ensure that Manoj Arora presents himself before the authorities. One must here also reflect that media reports have enunciated time and again that during the raid on Sanjay Bhandari's premises, important confidential and sensitive documents relating to the Defense Ministry were found in the premises of Sanjay Bhandari. Since Mr. Vadra is a publicly known associate of Sanjay Bhandari, an arms dealer, he may also want to enlighten the nation as to how his friend, an arms dealer, came to be in possession of sensitive defense documents. I'll now leave the floor open for questions. Hmm.
48 घंटे बाद राहुल गांधी जागे हैं और सच सुनकर इतने प्रताड़ित हुए कि आज झूठ का एक नया पुलिंदा बांधने का उनका प्रयास है। संबंधित मंत्रालय तो अपना वक्तव्य देगा, लेकिन मेरा यह मानना है कि एक एक तथ्य को संसद के सम्मुख जब रक्षा मंत्री ने प्रस्तुत किया तब सदन की गरिमा और एक महिला मंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मात्र आंख मारने तक सीमित रह गए। तो जो सज्जन संस्कार की जिनसे हम अपेक्षा नहीं करते, लेकिन कम से कम संसद की गरिमा वो स्थापित या कायम रखें ऐसी अपेक्षा करते हैं, 48 घंटे बाद जागे हैं एक नए झूठ के साथ, वो झूठ भी संसद और संसद के बाहर दोबारा ध्वस्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और जहां तक कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री की कॉम्पिटेंस पर टिप्पणी करते हैं, तो देश के अब इतने बुरे भी दिन नहीं आए कि वो सज्जन जिन्होंने अपनी कॉम्पिटेंस नहीं बल्कि अपने परिवार के नाम पर सब कुछ जीवन में हासिल किया, अब वो देश में कॉम्पिटेंसी का सर्टिफिकेट बांटते फिरे, इतना खराब वक्त भी हमारा नहीं आया है। जैसा कि मैंने कहा, राहुल गांधी जैसे इनकॉम्पिटेंट सज्जन कॉम्पिटेंसी का किसी को भी सर्टिफिकेट बांटे यह अपने आप में हास्यास्पद है। इनफैक्ट चूंकि आज आप प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, जो मैंने अपने प्रेस का पहला वाक्य पढ़ा, 48 घंटे में एक राज्यसभा सांसद के घर पर अटैक हुआ, वो राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां क्यों नहीं बनी, मेरा आग्रह इस पर भी आपको चिंतन करना चाहिए। पीटीआई और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। ऐसा कई बार हुआ है कि उनकी फेक न्यूज का खंडन मैंने सार्वजनिक रूप पे किया है, और आज उनके न्यूज साइकिल के क्रम में एक और दिन की सुर्खी बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरा वक्तव्य दो बच्चों की मां होने के नाते और वो कैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके नाते दिया गया था। अगर बच्चों की परीक्षा को पीटीआई मेरी पार्टी की परीक्षा माने तो उनके जर्नलिज्म में कितना खोखलापन आ चुका है इसका अंदाजा आप अपने आप लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये हवाले पीटीआई के हवाले से खबर आई थी तो मैंने भी कहा कि एक्सपेक्टेड है कि वो फेक न्यूज सर्कुलेट करेंगे। जी Yes. मैडम मेरा वीडियो पे स्पीच पूरा है, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशल एबिलिटी के ऊपर चर्चा है, उसके ऊपर ये चर्चा है इंग्लिश इज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ साइंस, ये आपने कहीं सुना, इसलिए पूरा भाषण सुन लीजिए। जी भारतीय जनता पार्टी विकास के मूल मंत्र को लेकर जनता के सम्मुख जाने वाली है हर प्रदेश में। आपका ये प्रश्न इस बात का संकेत देता है कि राहुल गांधी का नेतृत्व किसी भी विपक्षी राजनीतिक पार्टी को स्वीकार नहीं है, और इससे ज्यादा इस पर टिप्पणी करना हमारे लिए इसलिए उचित नहीं है क्योंकि हमारा ध्यान मात्र और मात्र संगठन को सशक्त कर बूथ पर विकास के कार्यों को ले जाकर जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर चुनाव लड़ने का हमारा मकसद है, और हम उसी मकसद पर उसी राह पर कायम है। देखिए अभी उनकी हाल ही में एक किताब आई है जिनकी सेल्स की बढ़त तब होगी जब वो पीएम पर कटाक्ष करेंगे, तो वी आर हैप्पी
that he found that the only way he can make headlines is by repeatedly talking about a prime minister on whom he has written a book. We are happy that he found time in his ever so important life where he doesn't speak about a dastardly attack on a fellow MP in Kerala, but he speaks of other issues just to keep himself in the headlines. Ravi Tripathi, D News. गायत्री प्रजापति का केस अमेठी के हर नागरिक को पता है, न सिर्फ रेप का उनका इतिहास बल्कि खनन मामले में उनके क्या कुकर्म रहे हैं और किसके आशीर्वाद से उन्होंने कानून को तोड़ा है, ये उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। मैं बहुत खुश हूं कि मैं जो हार गई अमेठी से, कांग्रेस के अमेठी के लोग मुझसे अपेक्षा करते हैं और मेरी तुलना आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से करते हैं। इसका मतलब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का 15 साल का सांसद के रूप में कार्यकाल इतना खोखला रहा कि अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी अमेठी में मुझसे उम्मीद होने लगी है। मैंने गत 5 वर्षों में कहा है, आज भी दोबारा दोहराऊंगी और आशा करती हूं इसको पीटीआई अलग रूप से ना प्रस्तुत करे, कि टिकट का निर्णय हमारी पार्टी में सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड और राष्ट्रीय अध्यक्ष लेते हैं। इतनी अच्छी रही कि कुछ लोग जो आने वाले थे वो नहीं आए। Yes. One has to have a declaration. He was not there in the Yes. You can ask me a question and if you want, I will give you a direct response. The numbers that I have enunciated are with regards to the Hartal, the current law and order situation in the state of Kerala. But like I said, a sitting member of parliament is attacked in Kerala on Friday night, and I find no news regarding the same in any national media as something for all of us to ponder about. Thank you.